इस साल जून में आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। वेस्टइंडीज और अमेरिका को मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। भारत के दो धुरंधर रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 फॉर्मेट में 14 महीने बाद वापसी हुई है। इसे लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स अपने दोस्त विराट कोहली के टी20 विश्व कप में खेलने की संभावना से जरा भी हैरान नहीं है। उनका कहना है कि विराट ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का प्रबंधन बखूबी किया है। कोहली ने आखिरी टी20 नवंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में खेला था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वापसी की है और आखिरी दो मैच वो खेलेंगे। डिविलियर्स ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीटीआई से कहा, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। मैं विराट और रोहित के लिए बहुत खुश हूं। आप टी20 विश्व कप में अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम भेजकर जीतना चाहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के बाद से ही इस फॉर्मेट से बाहर चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली को चयनकर्ताओं ने टीम में मौका दिया है। दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में कमेंटेटर की भूमिका में मौजूद डिविलियर्स ने इस पर कहा, मैं समझ सकता हूं कि आलोचना हो रही है, क्योंकि युवाओं और उन खिलाड़ियों का मौका छिन गया है जो लगातार टी20 खेल रहे हैं। डिविलियर्स का मानना है कि रोहित और विराट कोहली भारत की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम का हिस्सा है और उन्हें विश्व कप टीम में जगह देने का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने इस बारे में कहा, अपने करियर के आखिर में मेरी स्थिति भी ऐसी ही रही, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन विराट और रोहित को मौका मिला है और ये सही फैसला है। आप अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे विश्व कप जिताएंगे। डिविलियर्स ने विराट के बारे में आगे कहा, विराट की रगों में क्रिकेट है और यही उसकी प्रेरणा है। मैं भी इसी जुनून के कारण खेलता रहा और जिस दिन ये आग ठंडी होती महसूस हुई, मैंने खेलने से संन्यास ले लिया। उसने जीवन में परफेक्ट संतुलन बना रखा है। वो परिवार के साथ काफी समय बिताता है। उसने अपने करियर का प्रबंधन भी बखूबी किया है, जो मैं अपने करियर के आखिरी पड़ाव में नहीं कर सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 टीम में जो वापसी हुई, आपके हिसाब से ये फैसला सही है या फिर गलत।